हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल इंसेक्ट पर। काफ़ी टाइम से मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है और काफ़ी व्लॉग्स पेंडिंग चल रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो मैंने जोधपुर के मंदोर गार्डन पर भी बनाई थी, उसी को आज हम कवर करेंगे। उसके बाद मेरी अगली वीडियो जोधपुर के फेमस बुलेट टेम्पल के ऊपर होगी, ज़रूर देखिएगा। जोधपुर में और घूमने के लिए क्या क्या है उसके लिए आप मेरे पिछले व्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक ऊपर कहीं दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। सो गाइस, और टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। सो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं मंदोर गार्डन। तो अभी फिलहाल हमने एंटर करा और जैसे कि आप अभी मेरे साइड में देख पा रहे होंगे, एक गार्डन है। गार्डन स्ट्रक्चर अभी नॉर्मल, आई गेस आई होप आगे जाके कुछ अच्छा बेटर देखने को मिले। वेल, मैं आगे आ गया हूँ और मंडोर गार्डन सिर्फ नॉर्मल गार्डन नहीं है, आगे जाके कुछ मॉन्यूमेंट भी बने हुए हैं लाल पत्थर के, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। नक्काशी वगैरह हो रखी है, पीछे देख रहे हो मेरे, और भी हैं इसके आगे भी। मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। Cause when it's all over, the love that you give. बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके, क्योंकि जो यहाँ पे काम हो रखा है, जो जितने भी पिछड़ा या मंदिर है, आई डोंट नो क्या है जो बना हुआ है, काफ़ी उनके अंदर जो काम किया गया है लाल पत्थर के ऊपर, उनको काट के तराशा गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। लेकिन बस मेरे को एक चीज़ की कमी दिख रही है कि यहाँ पे जो ये पीछे जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनका टेक केयर ढंग से नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है। बस थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है, क्योंकि ये जो मंडोर गार्डन है ये टोटली फ्री है, यहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता है। तो आई गेस गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं रही है। यहाँ पे एक छोटी सी रिवर भी बह रही है, बहुत गंदी है। माय बैड। अभी जो शुरुआत में मैंने दिखाया वो सब सिर्फ शुरुआत थी। अभी जो असली जो फोर्ट है, जो यहाँ से शुरू होता है, पीछे देख रहे होंगे, उसको म्यूज़ियम बना दिया गया है प्रॉपर। यहाँ से उसकी एंट्री है और इसका टिकट है 20 रुपये पर पर्सन। सो टिकट मैंने ले लिया है, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं, आपको इतना खुला सा नज़ारा देखने को मिलेगा। अभी भी यहाँ पे थोड़ा साफ सुथरा मेरे को दिख रहा है, काफ़ी अच्छा है। पीछे आप देख रहे हैं, पीछे काफ़ी सारे रूम्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे, नहीं शायद वो पैलेस रहा होगा। और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नाग गंगा। ये जो पानी है पीछे, ये पानी वही है जो आगे जाके बह रहा है। लेकिन ये यहाँ पे तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन आगे साफ सफाई इसकी ख़राब होती जा रही है। जैसे जैसे आगे जा रहा है वैसे वैसे गंदा, लोगों ने कूड़ा कचरा फेंका हुआ उसके अंदर। जितने लोग उतनी बातें और उतनी ही कहानियाँ होती हैं। सो मेरे को अभी पता चला, ये बेसिकली मावार के जो राजा महाराजा रहते थे, उनकी रानियाँ रहा करती थी यहाँ पे मंदोर के अंदर। तो बेसिकली ये वो है। काफ़ी आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ के लोगों को भी यहाँ की स्टोरी प्रॉपर नहीं पता, इस जगह की स्टोरी प्रॉपर नहीं पता है। जैसे कि जिस ऑटो में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये स्टोरी उसने मेरे को बताई थी कि जो रावण की वाइफ थी मंदोदेई, उनका घर ये था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो वीडियो की शुरुआत में कुछ मंदिर जैसे पैलेस जैसे जिसे मैं कह रहा था, मेरे को क्लियर नहीं था कि वो क्या था, तो मैंने उसके बारे में पूछ लिया कि वो एक्चुअली है क्या। तो उन्होंने मेरे को बताया जो यहाँ पे जो राजा रहते थे, और जैसे उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको वहाँ पर उनकी समाधि बना दी जाती थी, और उसके ऊपर वो मंदिर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाता था। तो ये था जोधपुर के मंदोर गार्डन का हिस्ट्री और टूर। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और हम यहाँ से जाएंगे उम्मेद पैलेस। तो मिलता हूँ मैं आपसे उम्मेद पैलेस में।